हाय, मैं हूँ श्रुति विद माय सेकंड नेचर। तो पिछले एपिसोड के बाद डिड यू मेक द वेस्टेड स्लशी? आई होप आपने बनाई, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लिटिल लिटिल स्प्राउटलिंग्स भी आ गए होंगे। आईड लव टू नो कि क्या क्या होगा आपके घर में, और अगर अभी तक नहीं बनाई है तो अब बना लीजिए। कितना टाइम लगता है? खाना तो घर में रोज बनता है, तो कचरा तो रोज निकलता होगा, है ना? सो तब से अब में मैंने एडिशनली करेला उगाया है एंड पाइनएप्पल उगाना शुरू कर दिया है। आपने क्या उगाया? आईड लव टू नो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे उगाया, जरूर इंस्टाग्राम पे इकोगिरी ढूंढिए, ECOGEERI। मुझे अपनी पोस्ट पे टैग जरूर कीजिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी कि आप क्या क्या उगा रहे हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बात करते हैं ऑन माय सेकंड नेचर अबाउट हाउ टू गो केमिकल फ्री। एक बड़ा नेचुरल सा प्रोग्रेशन होता है जब आप पौधे उगाना शुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से ना सडनली वो इकोगिरी वाली भावना आपके हर एक्शन में आ जाती है। आपको किचन के डस्टबिन में कंपोस्टिंग दिखती है जो नेचुरली बनेगी मिट्टी, मिट्टी में दिखते हैं और नए नए पौधे, एंड ऑल्सो दिखने शुरू हो जाते हैं लिटिल लिटिल वर्म्स जो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इनफैक्ट आप यू यू करने के बजाय यू स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अब कौन सा नया कैटरपिलर आया है और कौन सा नया टाइप का कीड़ा है। आप नेचुरली ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री चीजें प्रेफर करने लगते हैं। तो जब मैंने शुरू किया था, 1 month into this change, and मैंने decide किया कि natural herbal face mask और hair packs तो पहले से करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी everyday ज़रूरतों में कितने hidden chemicals होते हैं? So I got inquisitive about it. Right from the toothpaste we use to the soap, shampoo, conditioner, मतलब hand wash तक, कपड़ों का detergent, utensil cleaner, उसमें भी मैंने ढूंढना शुरू किया कि एक मिनट इसमें कितना chemical है। And you will not believe it, मतलब घर के फ्लोर क्लीनर itself तक आप genuinely question करना शुरू करते हैं कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा केमिकल से भरी है और क्यों आपको रैंडमली एलर्जीज हो जाती हैं, या ज्यादा हेल्दी खाने के बावजूद भी आप ओवर टाइम क्यों बीमार पड़ते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग दिस, यू नो, मुझे ऐसा लगा कि सडनली अ ह्यूज बोल्डर इज ब्रेकिंग ऑन माई हेड। सब कुछ कैसे बदलें? बिकॉज इट्स लाइक अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ स्टाइल चेंज। तो यूजली जब भी ना मुझे खुद में कोई चेंज लाना होता है, आई स्टार्ट विद इन्फॉर्मिंग माई सेल्फ। मेरे हिसाब से आई थिंक 80% काम इन्फॉर्मेशन गैदर करते करते ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, इन सारी एवरी डे पर्सनल यूटिलिटीज में मैंने ढूंढना शुरू किया कि कौन कौन से कॉमन केमिकल्स हैं एंड वो बेसिकली करते क्या हैं, बिकॉज आई रियली हैड नो क्लू। तो मैंने फाइंड आउट किया कि अगर सिंपल तरीके से बात शुरू करें, किसी भी चीज में अगर झाग बन रहा है, चाहे आपका टूथपेस्ट हो या आपका वॉशिंग पाउडर हो या आपका बॉडी वॉश हो, झाग बनेगा तो अच्छी बात ही है, राइट? वेल, एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि वो सब आई रियलाइज्ड इज एडवर्टाइजिंग। मतलब झाग को बनाने के लिए लगते हैं केमिकल्स, सोडियम लॉरेट सल्फेट जिसको बोलते हैं SLES, एंड सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है SLS, एंड कोको ग्लूकोसाइड, लेकिन मैं इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट यू नीड टू, ये दो केमिकल्स तो आप मतलब बांध लीजिए अपने साइकी में, SLES एंड SLS, ये हर चीज में यूज होते हैं, एंड जहां भी आपको ये दो शब्द लिखे दिखें वहां से प्लीज कोसों दूर भागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही केमिकल्स झाग बनाते हैं, यही केमिकल्स हमारे लिए खराब होते हैं, एंड इनफैक्ट इन्हीं को साफ करने के लिए ज्यादा पानी यूज होता है, और जब वो पानी वाटर सोर्सेज में जाता है तो वहां पे जो वाटर पोल्यूशन होता है वो इन्हीं केमिकल्स की वजह से होता है। मोटे मोटे तौर पे गंदगी या मेल्स तो बहुत ही ऑर्गेनिक चीज है, उससे तो कभी कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको साफ करने के लिए जो झाग हम यूज करते हैं उसमें प्रेजेंट केमिकल से एक्चुअली नुकसान पहुंचता है। अब नेचुरली नेक्स्ट सवाल यही उठेगा कि जब हम यूज करते हैं ये SLS या SLES वाले प्रोडक्ट्स, तो होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू आवर बॉडी? सो वेल, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स, अब गिनना शुरू कीजिए क्या क्या होता है। फर्स्टली, इट इरिटेट्स योर आईज, स्किन, लंग्स, स्पेशली लॉन्ग टर्म यूज के साथ अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस शुरू हो गए हैं जो पहले नहीं होते थे। ऑल ऑफ इट इज मोस्टली इन्हीं हिडन केमिकल्स इन आवर प्रोडक्ट्स की देन। इनफैक्ट SLES में ऑल्सो भी कंटेमिनेटेड एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड डाइऑक्सिन, जो लॉन्ग टर्म में कैंसर कॉज करता है। इनफैक्ट जब इन्हीं प्रोडक्ट्स को लैब्स के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं, उसको यूज करने के लिए बेटर कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, तो जितने लैब एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर पाया गया है दैट विद एक्सपोजर टू दिस केमिकल इवन एनिमल्स को कैंसर हो गया है। सो आप इमेजिन कीजिए कि धीरे 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 आपकी स्किन पे जब इसका यूज हो रहा है तो आप पे क्या असर पड़ रहा होगा।
And when we wash all this off and it goes into the water sources, वहाँ पे जो animals present हैं, अब अगर rivers में जा रहा है या ocean में जा रहा है, तो marine animals and marine life पे इसका क्या effect हो रहा होगा? और अगर ये हमारे ecosystem का part बन जाए, तो obviously ये बहुत ही toxic way के अंदर हमारे ecosystem को effect कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक पौधा सूख रहा है और आप उसमें पानी डालें, आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि पौधा उसके बाद फलेगा फूलेगा, पर अगर पानी ही कंटामिनेटेड है और पौधा ग्रीन होने के बजाय ज्यादा सूख जाए, हाउ क्रेजी इज दैट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें खुद की सोच में चैलेंज करता है और बदलना है, दैट इज कि सफाई डज नॉट मीन लैदर या बहुत सारा झाग। अगर हमने ये चीज सॉर्ट आउट कर ली तो बाकी चीजें तो एक एक करके फॉलो कर ही लेंगी। अब दूसरी बात आती है पर्सनल यूज की। तो हमारी बॉडी एक मैग्निफिसेंट वर्किंग बीइंग है, जिसको साइंस भी अभी तक डिस्कवर कर ही रही है। रोज रोज साइंस में नई डिस्कवरीज होती हैं, जहां इतने सालों की रिसर्च के बाद भी अब एक नया नया ऑर्गन डिस्कवर हो रहा है। सो वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि हमारी बॉडी एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है। सो आप बिगेस्ट ऑर्गन क्या है? हेला स्किन। सो स्किन इज कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग एंड बैलेंसिंग विद हमारी एनवायरमेंट जिसमें हम रहते हैं। अगर हम केमिकल बेस्ड सोप यूज करते हैं, हमारी स्किन एडजस्ट करती है कि केमिकल से स्किन ड्राई होती है, बॉडी बोलती है ओ ओके वी नीड टू वर्क थोड़ा एक्स्ट्रा, तो स्किन कहती है कि चलो थोड़ा ऑयली बनाते हैं ताकि बैलेंस रहे। बट देन इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग द सोप या शैम्पू हमें ड्राई फील होता है एंड विदाउट वेटिंग हम मॉइस्चराइज करते हैं। तो स्किन जो ऑलरेडी सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर चुकी है, उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर आ जाता है, तो ओवर टाइम हमारी स्किन बन जाती है ऑयली और फिर एक्ने या ब्लैकहेड्स जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं विद ओवर एक्टिव पोर्स। बट ओवर एक्टिव बनाया किसने उन पोर्स को? तो देन टू फिक्स आवर पोर्स एंड हमारी स्किन टाइप, जैसे कि कॉम्बिनेशन स्किन या ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, उसके लिए हम और ज्यादा स्पेशल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जिनमें यस यू गेस्ड इट राइट, और ज्यादा केमिकल्स होते हैं। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि ये साइकिल कंटिन्यूअसली जारी रहता है। जिस केमिकल यूज से हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड देन वी यूज मोर केमिकल टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, एंड उस यूज ऑफ केमिकल से इन टर्न दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो देन व्हाट टू डू? वेल, मैंने सोचा बंद करके देखते हैं, लेट सी के होता क्या है। सो आई अलाउड माई स्किन टू एडजस्ट पूरे एक महीने के लिए। तो मैंने फेस वॉश की जगह एक पाउडर्ड फेस वॉश यूज करना शुरू किया, जो बेसिकली इज लाइक अ फेस पैक विद चंदन, ऑरेंज, लेमन, मुल्तानी मिट्टी, सारे नेचुरल तत्व, लेकिन उसमें झाग नहीं बन रही थी। सो मुझे एक्चुअली एक हफ्ता लगा जस्ट टू एडजस्ट कि जस्ट बिकॉज मैंने ये मिट्टी जैसी चीज मेरे फेस पे लगा दी है, मेरा फेस एक्चुअली क्लीन हो रहा है। बालों को मैंने राइस वाटर एंड सोपनट यानी कि रीठा एंड शिकाकाई से धोना शुरू कर दिया। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग कंडीशनर इनफैक्ट एंटायरली, क्योंकि फंडा तो वही है ना, बाल ड्राई हो रहे हैं इसलिए हम कंडीशनर यूज कर रहे हैं जिसमें और ज्यादा केमिकल्स हैं। एंड दैट वाज माय पॉइंट कि उसी पूरे साइकिल को तो कट करना है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? वेल, पहले 15 दिन आई विल बी सुपर ऑनेस्ट, बहुत अनईजी था, क्योंकि बाल बिल्कुल चिपचिप फील हो रहे थे। यू नो नेचुरली व्हेन चिपचिप फील होता है, हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि हम बाल धोते हैं, बट देन केमिकल शैम्पू तो था नहीं, तो एक्सेस ऑयल सिक्रीट जो हो रहा था वो नेचुरल शैम्पू से इतनी अच्छी तरह इनिशियली नहीं धुल पाता। एंड आदत है बालों को केमिकल शैम्पू की और उतना सीबम प्रोड्यूस करने की, तो फिर क्या किया जाए? वेल, दैट्स द ट्रिक, नथिंग। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 हफ्ते वेट कीजिए, बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, माई हेयर स्टार्टेड लुकिंग शाइनियर एंड स्ट्रॉन्गर। तो पहले मुझे लग रहा था कि ऐसे ही जस्ट बिकॉज मैं एक एक्शन कर रही हूँ, तो यू नो आई एम सेल्फ कन्विंसिंग माई सेल्फ के ओहो जेन्यूनली बहुत अच्छा हो रहा है मेरे बालों के साथ, लेकिन डेफिनेटली अब बाल उतने ज्यादा ड्राई नहीं थे जितना आई वॉज यूज टू। मेरा सिर एक्चुअली हल्का फील होने लग गया, नॉट बिकॉज बाल झड़ रहे थे, एक्चुअली उल्टा हुआ, बालों ने तो झड़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया 2 महीने के बाद। इनफैक्ट टू द लेवल कि मैं 5-5 दिन तक बाल नहीं धोती थी, बिकॉज आई वॉज लाइक ओके अब ये ऑयली तो हो नहीं रहे हैं, मैं इसीलिए सिर्फ धोती थी बिकॉज कम ऑन अब 4 दिन बाद तो बाल अब धोएंगे ना, नॉट बिकॉज आई नीडेड टू। सो द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब 3 महीने गुजरे, आई नोटिस्ड कि मेरे बालों ने ना सिर्फ झड़ना बंद कर दिया था, बट मेरी चोटी नोटिसेबली थिकर हो गई थी। इट फेल्ट रियली स्ट्रेंज कि मैं कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट किए बगैर, बेस्ट कंडीशनर्स लगाए बगैर, एंड आई कुड सी द चेंज। सो नाउ ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि कोई आयुर्वेदिक शैम्पूज या कोई ऐसे शैम्पूज जिसमें केमिकल्स ना हो, सल्फेट्स ना हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हो, स्पेशली जो लैदर ना करे। सो नाउ माय प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। सो एक्चुअली इट बॉइल्स डाउन टू एक बहुत ही सिंपल थॉट करेक्शन। It is all about informed choices.
यू नो आफ्टर अ वाइल मुझे ट्रूली ऐसा लगना शुरू हो गया था कि कहीं ये केमिकल वाला पूरा इफेक्ट, मे बी आई जस्ट मेड इट अप इन माय हेड कि थिंग्स वांट इतना ड्रास्टिक, हाउ बैड कुड इट बी। तो अब जैसा नॉर्मली होता है, वी ऑल हैव शॉर्ट टर्म मेमोरीज, जो बुरी चीजें होती हैं वो हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, इंक्लूडिंग अच्छी चीजें। तो अब 6 महीने से आई हैड बीन कम्प्लीटली केमिकल फ्री, मतलब हेयर केयर, बॉडी, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, इन सब में मैं कोई केमिकल्स यूज नहीं कर रही थी। सो आई यूज्ड वन वेरी वेल नोन ब्रांड ऑफ शैम्पू, थिंकिंग काफी सेफ माना जाता है, इट्स कंसिडर्ड गुड फॉर हेयर, इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, इसमें सल्फेट भी नहीं है, सो इट्स ओके, ट्राई करते हैं। पोस्ट हेयर वॉश हाफ अ डे तक मेरी आंखें वॉटर करती रही, आई कुडंट बिलीव के इसमें तो कोई केमिकल है भी नहीं, तो मेरी आंखों में से पानी क्यों आ रहा है इतना। मेरा हेड इतना हैवी फील हो रहा था दैट आई हैड अ लिंगरिंग हेडेक। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नॉट कि कोई एक शैम्पू बुरा है, मॉरल ये है कि हम इतने यूज्ड टू होते हैं डीलिंग विद केमिकल्स ऑन आवर बॉडी जो सटल लेवल पे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं एंड हमें रियलाइज भी नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी परफेक्ट है इन ट्राइंग टू एडजस्ट एंड सेफगार्ड हमें कि हम डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं अगेंस्ट हार्मफुल केमिकल्स। द ओनली रीजन कि मुझे भी 6 महीने बाद ये इतना पूरी तरह ड्रास्टिकली इफेक्ट हुआ इस क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली केमिकल फ्री थी। अब आई नो आप क्या सोच रहे होंगे कि हम ये रोज कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डू इट, हमारी लाइफ ऑलरेडी इतनी बिजी है कि वी कांट सडनली स्टार्ट मेकिंग होममेड शैम्पूज एंड घर पे लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेसेस हो रहे हैं जस्ट ताकि हम बिल्कुल ही जीरो केमिकल वाली चीजें यूज कर सकें। सो वेल देयर इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, आपको सिर्फ अपनी रिसर्च करनी है। अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उसके बाद इनफ ब्रांड्स आर देयर जो इको फ्रेंडली हैं, केमिकल फ्री हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट वो बायोडिग्रेडेबल हैं, इफ नॉट एटलीस्ट रिसाइकलेबल पैकेजिंग तो यूज करते ही हैं। सो नाउ देयर आर सो मेनी ब्रांड्स फॉर इट। अगर आप नो SLES SES प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, जैसा मैंने आपको बताया था, टैग इकोगिरी ECOGERI एंड सवाल पूछिए, आई विल फाइंड जो भी आंसर्स आपको चाहिए एंड आपको मैं उसके ऑप्शंस भी दे पाऊंगी। तो आज की इस पॉडकास्ट से मेरा मेन मुद्दा ये है कि हम पैसिव कंज्यूमर नहीं बट प्रोएक्टिवली माइंडफुली चूज करें कि हम अपनी बॉडी पे और खुद के घर में हार्मफुल केमिकल्स ला रहे हैं या हेल्पफुल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बस इतनी सी देर है, द मोमेंट वी आर माइंडफुल आई थिंक नेचुरली फिर हमारे आसपास की एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू कर देती है। So I hope it helped you understand a little bit about chemicals in our everyday life. अगर कोई भी direct सवाल करने हैं तो जरूर मुझे mail भेजिए on strongjad strongjadd@gmail.com and I'd love to know कि आपकी eco-friendly, sustainable living, zero waste journey कैसी चल रही है। मैं हूँ श्रुति on My Second Nature.